हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज, इसमें हम हर वीडियो में नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, और टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये जो टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे कि रिवर बेसिन की हम इसमें बात करेंगे, कैचमेंट एरियाज़ की बात करेंगे, हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे, और जो हमारे डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया के, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। सो गाइज, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो आपने यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है इसमें से गेस करना है। ए इज वन ओनली, बी इज टू ओनली, सी इज बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन नॉर टू। तो गाइज, आप इसमें गेस कर सकते हैं क्या इसमें आंसर होगा। तो चलिए, इससे पहले हम ये स्टेटमेंट भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरिया जो होता है उसके अराउंड जहाँ से भी जो वाटर है वो कलेक्ट होके, जो प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, वो जो वाटर कलेक्ट होके वहाँ पर आता है, उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्योंकि उसका जो एरिया जहाँ से वो जो रिवर है या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो वाटर कलेक्ट करती हैं, ड्रेन करती हैं, पूरे एरिया को हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होना चाहिए सी, बोथ वन एंड टू। तो ये है आपका आंसर सी, वन एंड टू, वो करेक्ट हो गया है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस अगर हम इस पिक्चर में देखें तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक एरिया है, इस एरिया में जहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन होगी, देखिए यहाँ से ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं ये वाटर को कलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारा जो वाटर है कलेक्ट होके इस मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, इस मेन रिवर में आ जाएगा। तो ये सारे का सारा जो एरिया है ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया है इस रिवर का, और इसको ड्रेनेज बेसिन भी कह देते हैं, क्योंकि पूरे एरिया को जो ड्रेन करती है रिवर, और ये पूरे का पूरा क्या हो गया है, ये ड्रेनेज बेसिन हो गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैचमेंट इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट्स व्हेन इट रेन्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी 11 का जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये जो 11th क्लास की है बुक, उसमें चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम। तो पेज नंबर 21 पे ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है, रिवर ड्रेन्स अ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये है यहाँ पर। तो गाइज, ऐसे जितने भी यहाँ पर डेफिनेशंस होंगी उसमें से आपके यूपीएससी के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। तो इसको देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ड्रेनेज पैटर्न दैट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्राइटिक, इज नोन एज डेंड्राइटिक। अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो आपको पता होगा ये जो डेंड्राइट्स टर्म है ये न्यूरॉन में भी आती है, कि जो उसके ऊपर सेल के जो अपर पार्ट है तो वहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं। तो इसको हमने कहा है यहाँ पर डेंड्राइटिक। सेकंड स्टेटमेंट इज द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, और पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स। तो ए ऑप्शन इज वन ओनली, बी इज टू ओनली, देन बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉर टू। तो गाइस, एक चीज आपने ध्यान से देखनी है वो ये है कि यहां पर ना इनकोरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। सो दे हैव आस्क्ड हियर फॉर द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट, अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्रेनेज पैटर्न दैट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्राइटिक, तो ये तो
करेक्ट हो गई है, और जो सेकंड है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, इट मींस बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां पर तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू, इट मींस डी शुड बी द आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आंसर इज डी। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज पैटर्न दैट मे डेवलप ऑन होमोजीनियस रॉक विच हैज ए शेप रिजेंबलिंग द पैटर्न मेड बाय द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री और द वेन्स ऑफ ए लीफ। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए हम इस समझते हैं, ये देखिए। तो डेंड्राइटिक ड्रेनेज क्या होती है? तो जिसका ब्रांचेज ऑफ ट्री के जैसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज ये यहाँ पर स्लोप है, ये यहाँ पर एक माउंटेन है, तो ऊपर से जितनी ये स्ट्रीम्स आएंगी, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं, अल्टीमेटली ये नीचे ही ये आगे जाके ऐड होगी किसमें, सी में। दूसरी तरफ जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें हमने बात करी थी रेडियल ड्रेनेज की, तो इसमें क्या होता है कि कोई सोर्स है, वहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसे ये स्ट्रीम्स निकलती हैं, तो जो अमरकंटक रेंज है वहां से ऐसी स्ट्रीम निकलती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी तभी करेक्ट थी। तो गाइज आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया होगा। ये है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो कि सेकंड स्टेटमेंट में था, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट में था डेंड्राइटिक ड्रेनेज। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं, चलो ये देखिए यहाँ पर आपका पेज नंबर 21 पे ना, ये जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, तो पेज नंबर 21 पे सेम चैप्टर है आपका चैप्टर 3, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें डिफरेंट जो डेफिनेशन दी गई हैं, अगर आप इसमें से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट वन इज वेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर दे आर जॉइंड बाय सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल दिस पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। सेकेंड स्टेटमेंट इज वेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन ए लेक द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट। तो हमने यहां पर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है। तो गाइज अगर हम इन स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, तो ये देखिए जहां पर प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स जो है फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर जॉइंड बाय सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज, तो गाइज उस जो ड्रेनेज पैटर्न को हम सेंट्रिपिटल नहीं कहते, उसको ट्रेलिस कहते हैं। तो गाइज अगर हम सिंपली देखें ना, तो ये दोनों जो यहाँ पर डेफिनेशन है इनको एक्सचेंज कर दिया गया है, यहाँ पर सेंट्रिपिटल नहीं, यहाँ पर ट्रेलिस आना चाहिए था, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन ए लेक, तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट। पूछा क्या गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, तो यहां पर आएगा बोथ वन एंड टू, इट मींस योर आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए आंसर इज सी। तो अब इस डायग्राम को समझिए आप, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज यानी कि जो डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे, यहाँ पर सेंटर में वाटर जो एकोमुलेट होगा वो किसी लेक या डिप्रेशन में जाएगा, सेंटर में लेक होगी, तो यहाँ पर ये लेक में वाटर को एड अप करते रहेंगे। और जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है वो ये है कि कोई भी यहाँ पर देखिए ये जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ये आ रही है ये वाली फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो इसमें ये जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी साइड से ऐड हो रही है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इधर को आ रही है, इसमें ऐड हो रही है, तो ये बिल्कुल राइट एंगल पे इसमें ज्वाइन कर रही है, तो इसको हमने ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कह दिया है। अब आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये देखिए ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है और ये है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो ये भी सेम बॉक्स में पेज 21 पे मेंशन है, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है, इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपके जो प्रीलिम्स हैं उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कोरेक्ट। नंबर वन, द बाउंड्री लाइन विच सेपरेट्स वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटर शेड। एंड सेकेंड इज द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन्स व्हाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवलेट्स एंड रिल्स आर कॉल्ड वाटर शेड्स। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स।
A is 1 only, B is 2 only, and C is both 1 and 2. D is neither 1 nor 2. ओके तो गाइज अब यहां पर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि बाउंड्री लाइन विच सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटर शेड. तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन होती है. अब जो ड्रेनेज बेसिन है जहां से पानी कलेक्ट होकर आ रहा है उसको दूसरे ड्रेनेज बेसिन से जो लाइन सेपरेट करेगी उसको वाटरशेड कहते हैं. अभी हम डायग्राम में इसको क्लियर कर देंगे. और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है कि जो लार्ज रिवर्स हैं उनकी कैचमेंट को कहते हैं रिवर बेसिन और जो स्मॉल होते हैं उसको कहते हैं वाटरशेड. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होना चाहिए सी. तो देखते हैं सी, देखिए ये बिल्कुल सही है. तो अब यहाँ पर वाटरशेड की बात करिए गाइज, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो वाइट डॉटेड लाइन है ये देखिए, जहां पर मैंने ये मार्क ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, तो ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये वाटर शेड है जो कि इस पूरे ड्रेनेज एरिया को साथ वाले जो यहाँ पे आगे कोई भी ड्रेनेज एरिया होगा उससे सेपरेट कर रहा है. यानी कि इसका जो वाटर है वो इस रिवर में आ रहा है, साथ वाले का ये जो एरिया होगा इसका जो वाटर है वो किसी और एरिया में जा रहा होगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका वाटर शेड, ये जो डॉटेड लाइन है ये सेपरेट कर रहा है दो ड्रेनेज बेसिन को. चलिए आगे देखिए पेज नंबर 23 पे ना, यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है, कि वाटरशेड क्या होता है कि जो सेपरेट करते हैं वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम दी अदर उसको वाटरशेड कहते हैं. और जो स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन ए रिवर बेसिन एंड ए वाटरशेड, ओके, तो इसमें बिल्कुल जो डिफरेंस है वो कम होता है, ठीक है. तो आगे अगर हम देखें तो जो हमारे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उनको भी डिवाइड कैसे करा गया है वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. ये बड़ा सिंपल पॉइंट है कि दो ड्रेनेज बेसिन को जो पॉइंट सेपरेट कर रहा है उसको हम वॉटरशेड कह देते हैं. ओके चलिए आगे देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रिज द अरावलीज एंड द सहद्रीज. तो गाइस ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है, सेकंड है 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंप्राइजिंग द इंदस द नर्मदा द तापी माही द पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट. तो गाइस यू कैन गेस द आंसर. पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकोरेक्ट है. तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है तो इसमें आपको अगर क्लियरली डिटेल में आपने पढ़ा है तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, क्योंकि ये फैक्चुअल पॉइंट है. तो आपको ये जो जितने भी इसमें फैक्ट्स हैं, दिल्ली रिज है, रावली रिज, सायद रिज, तो इनके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, तो अब इसका मीनिंग क्या है. अरेबियन सी ड्रेनेज का मीनिंग है कि जो रिवर्स ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में, यानी कि वो ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ फ्लो करना चाहिए तभी वो उसमें ड्रेन करेंगी. और जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज है उसमें वो रिवर्स हैं जो ईस्टर्न साइड यानी कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं उसमें जाके ड्रेन करती हैं. लेकिन इन दोनों ड्रेनेज एरिया को सेपरेट करता है कौन, दिल्ली रिज. दिल्ली रिज जो है, ये जो रीजन है ये दिल्ली के पास है, और अरावलीज आपको पता है कि राजस्थान में जो माउंटेन रेंज है, सहयाद्री जो है वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं. तो ये एक ऊपर से एक सेपरेशन की लाइन है जो दोनों ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है, और ये जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट जो है 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंप्राइजिंग द इंदुस द नर्मदा तापी. अच्छा ये जो सारे रिवर्स हैं डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द अरेबियन सी. तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, बिकॉज जो हमारा अरेबियन सी का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो वाटर अमाउंट है वो कम है, जो अरेबियन सी में वाटर है वो कम जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा जा रहा है. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. लेकिन पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट. तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, डी, नीदर वन नॉट टू, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. यहाँ पर आंसर डी.
यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आंसर डी है वो करेक्ट है. द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज ईस्टवर्ड बिकॉज देयर मेन वाटर डिवाइड इज द वेस्टर्न घाट. तो ओनली नर्मदा एंड तापी आर द एक्सेप्शंस, क्योंकि वो जाती हैं अरेबियन सी में और फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट. तो ये गाइज, ये जो मैप है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए ये जो मैप है, ये लाइन है जो सेपरेट करती है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को और अरेबियन सी ड्रेनेज को. ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर दिल्ली रिज जिसको कहते हैं, दिल्ली रिज कहते हैं, यहाँ से नीचे अरावली माउंटेन जो है ये इसको सेपरेट कर रहे हैं. ये देखिए इधर लूनी रिवर है या साबरमती रिवर है, माही रिवर है, ये सारी इस साइड पे हैं. तो ये किस में आएंगी? अरेबियन सी ड्रेनेज में. ये देखिए नीचे आके नर्मदा तापी जो है वो इसमें आ जाती हैं, जो कि ईस्टर्न साइड को आती हैं. उसके नीचे देखिए, उसके नीचे बिल्कुल ये वेस्टर्न घाट से के पास चली जाती है ये लाइन. तो यानी कि इस साइड का ये सारा एरिया है, गंगा है इसमें, ये जो चंबल सिंध ये सारी रिवर्स हैं, केन है, बेटवा है, ठीक है. ये नीचे आ जाइए, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, ये सारी रिवर्स जो हैं ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, जो सारी की सारी इधर बे ऑफ बंगाल में जाएंगी. तो आई होप कि आपको ये मैप देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है. ये देखिए ये जो लाइन है ये सेपरेट करती है, इस साइड पे अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, इस साइड पे क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम. आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल समझ तो आ गया. ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 23 पर भी यहाँ पर दिया हुआ है अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, और इसमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे जो पॉइंट था वो मेंशन है, 23% कंप्राइजिंग द इंदुस नर्मदा तापी माही. तो ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है क्या, अरेबियन सी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज. तो गाइज जब हम एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि ये कहा जाता है कि इस टाइम पे एट प्रेजेंट अब हमारे पास जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, जो हिमालयन रिवर्स है उसमें इंदुस भी है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, लेकिन किसी टाइम पे जो मायोसिन पीरियड था, जैसे आपने पढ़ा होगा जो टाइम पीरियड्स होते हैं, इपोक होता है, एरा पीरियड, ये जो सारे टाइम लाइन होती है, तो इसमें जो मायोसिन पीरियड था, ये देखिए मायोसिन पीरियड उसमें क्या था, ये 5 to 24 मिलियन ईयर्स बैक था कि इन तीनों रिवर्स की जगह एक माइटी रिवर, एक बड़ी रिवर होती थी जिसको शिवालिक रिवर भी कहते थे या जिसको इंडो ब्रह्मा रिवर कहते थे, और वो रिवर असम से लेकर पंजाब तक इस साइड को यानी कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती थी, आगे सिंध में एंटर करती थी, आफ्टर दैट वो गल्फ ऑफ सिंध में जाके गिरती थी. वो माइटी रिवर थी यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है वहां पर. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वेस्टर्न हिमालयस की अपहीवल हुई, वो वहां से फॉर्मेशन होनी शुरू हुई, चेंजेस शुरू हुई, उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हुई और सेपरेशन भी क्रिएट होगी इंदुस ड्रेनेज सिस्टम में और गंगा ड्रेनेज सिस्टम में. तो उसके बाद ये जो सारी रिवर्स की डायरेक्शन थी वो बदल गई और वो बे ऑफ बंगाल में तब जाना शुरू हुई जब जो हमारा मेघालय का जो प्लेट्यू है जिसको हम शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं, या हमारे पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके बीच का जो एरिया है उसकी डाउन थ्रस्टिंग होगी जिसको हम मालडा गैप कहते हैं. जब उसकी डाउन थ्रस्टिंग हुई तो वो जो सारा जो वाटर है वो किधर जाना शुरू हो गया, वो बे ऑफ बंगाल में जाना शुरू हो गया. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द मायोसिन पीरियड ए माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रावर्स द एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय फ्रॉम असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध. तो गाइज यहाँ पर नीचे सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इंडो ब्रह्मा रिवर वॉज डिसमेंबर्ड. डिसमेंबर्ड होता है तोड़ देना, ठीक है, ड्यू टू द प्लिस्टोस्टीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस इंक्लूडिंग अपलिफ्ट ऑफ पोटवार प्लेट्यू. तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स. तो गाइज यहाँ पर हिमालयन ड्रेनेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जैसे कि मैंने आपको अभी जो स्टोरी बताई है वो सारी इसमें लिखी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड इज इंडो ब्रह्मा रिवर वॉज डिसमेंबर्ड ड्यू टू प्लेस्टोसीन अपहीवल. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो सिक्स
क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू आंसर शुड बी सी। ये देखिए आंसर इज सी। सो यहाँ पर क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में देखिए, द थ्योरी ऑफ द इंडो ब्रह्मा रिवर एज बिलीव्ड बाय सम जियोलॉजिस्ट इज एज फॉलोज। क्या कहते हैं वो, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द जियोलॉजिस्ट देयर वॉज अ माइटी रिवर नेम शिवालिक और द इंडो ब्रह्मा, इट फ्लोड नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम असम टू पंजाब इन द लॉन्गिट्यूडनल वैली अलोंग द फुट ऑफ हिमालय। तो ये सारी की सारी सिंध की तरफ आती थी और गल्फ ऑफ सिंध में ये एंटर कर जाती थी। चलिए ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियरली है कि भी डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो यही है। पेज नंबर 23 है आपका चैप्टर 3 का ये, तो यहाँ पर ये क्लियरली मैंशन है। तो कई ऐसे जितने भी यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर गल्फ ऑफ सिंध बायोसिन पीरियड्स 5 to 24 मिलियन ईयर्स गो। तो गाइज ऐसे जितने भी आपके जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं इनके ऊपर बड़े आराम से जो क्वेश्चन हैं वो फॉर्मुलेट हो। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से इनकोरेक्ट हमने स्टेटमेंट देखनी है। तो क्वेश्चन ये इसलिए भी टिपिकल बन सकता है क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें कोई कंसेप्चुअल पॉइंट नहीं है, फैक्चुअल पॉइंट है। अगर आपने इसको याद किया होगा तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हुंजा इज ए हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि हुंजा जो है वो हिमालयन ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, और जो बी है तोची एंड गोमल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस विच ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस। तो यहाँ पर ये लिखा है सुलेमान रेंजेस। सी इज रावी रिवर ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधार रेंजेस। ओके, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज जेलम रिवर जॉइंस द चेनाब नियर सराय सिद्धू इन पाकिस्तान। तो गाइज अब ये तो बिल्कुल सारे फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है कि देखिए यहाँ पर पूछा गया है हुंजा रिवर। तो अब ये जो है हमें पता है कि जो इंदस रिवर उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि है और श्योक रिवर है, हुंजा है। तो हुंजा जो है ये भी ट्रिब्यूटरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई है। नेक्स्ट इज तोची एंड गोमल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस, और उनका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ पर है, वो सुलेमा रेंज में ओरिजिनेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो ओरिजिनेट होती है वो सुलेमा रेंज से ही होती हैं। आफ्टर दैट इज रावी रिवर ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। तो गाइस जैसे आपको पता होगा कि हमने जैसे हिमालयस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, आउटर हिमालयस, मिडल हिमालयस या ग्रेटर हिमालयस भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें बिल्कुल फुट हिल पे शुरू में है उसको शिवालिक्स कहते हैं, फिर मिडल हिमालयस है, ठीक है, उसमें हमारे पास पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, जितने भी हमारे पास जो हिल स्टेशन है वो मिडल रेंज में आ जाते हैं। तो वहीं से ये रावी जो है वो ड्रेन करती है इस एरियाज को। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑब्वियस है, अब ये आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा कि जो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, डी है, यानी कि जो इन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। सो दैट इज डी, डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसे, जेलम रिवर जॉइंस द चेनाब नियर सराय सिद्धू इन पाकिस्तान। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट बिकॉज दिस पॉइंट सराय सिद्धू इट इज इनकोरेक्ट। यहाँ पर झंग होना चाहिए था, जेहलम रिवर जॉइंस द चेनाब नियर झंग इन पाकिस्तान, JHANG झंग। तो यहाँ पर सराय सिद्धू की बजाय क्या होना चाहिए, झंग। तो ये डी जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ये देखिए तो यहाँ पर सारे की सारी जितनी भी यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है वो सारी मैंशन है। देखिए एक्सप्लेनेशन में कि श्योक रिवर, गिलगिट, यास्कर, हुंजा, ये सारी क्या हैं, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की। नुब्रा है, शिगार है, गस्टिंग है, दरास है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखिए तोची, गोमल, ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, सुलेमान रेंज से। और जितनी भी हमारे पास इंदस के साथ जो बाकी की रिवर्स हैं, रावी, चेनाब, जेहलम और सतलुज, ब्यास, अब हरिके पत्तन अमृतसर में जाके सतलुज और ब्यास एक सिंगल सतलुज बन जाती है, वो भी आगे जाकर मिल चली जाती है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर वो पंचनाद मिलकर एक जो बनाती हैं वाटर बॉडी, वो है पंचनाद, जो सिंगल रिवर आगे जाके बनती है मिठानकोट के पास, ठीक है, बिल्कुल उसको पंचनाद कहते हैं।
तो गाइज आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया और आपका ये डी। देखिए ये है आपका पेज नंबर 25 पे, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मैंशन है कि झेलम जो है इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप नैरो रेंज। ओके, इट जॉइंस द चिनाब नियर जंग इन पाकिस्तान। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंशन है। तो अगर हम रावी की बात करें तो रावी में क्या है, रावी में देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वो फ्लो करती है चंबा वैली में से, और इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द सदरन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आप इसमें जो आपको साथ में पीडीएफ दी गई है उसमें आप बिल्कुल इसको पढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। फर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ब्यास रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म गॉर्जेज एट कटी एंड लड़की इन द धौलाधार रेंज। सेकेंड स्टेटमेंट इज इन तिब्बत सतलुज रिवर इज नोन एज लंगचिन खम्बब एंड इट पासिस थ्रू द बारालाचा पास ऑन द हिमालयन रेंज। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अब दोनों स्टेटमेंट में से आपने देखना है कि करेक्ट कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वन ओनली, टू ओनली, सी इज बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन नॉट टू। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए, ब्यास हमें पता है कि कुल्लू वैली में वो फ्लो करती है रोहतांग पास के पास से, वो वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इन तिब्बत सतलुज रिवर को क्या कहते हैं, लंगचिन खम्बब कहते हैं। ये भी बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई है। सेकंड देखते हैं, एंड इट पासिस थ्रू द बारालाचा पास ऑन द हिमालयन रेंज। तो गाइज ये जो पॉइंट है बारालाचा पास, दिस इज इनकोरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर शिपकीला आना चाहिए था, शिपकीला में से पास करके बाद में वो पंजाब के प्लेन एरिया में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचती है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकोरेक्ट हो गई है, ठीक है, यहाँ पर शिपकीला आना चाहिए था। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ओनली वन। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए आंसर ए, ठीक है, एट क्वेश्चन का जो आंसर है ए वो है। तो दिस इज आंसर ए, एंड ये कुल्लू वैली है, यहाँ से सतलुज जो है फ्लो करती है आगे जाती है, ठीक है। तो ये देखिए पेज नंबर 25, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सतलुज रिजनेट इन द राकास्ताल, तो यहाँ पर उसको तिब्बत में कहते हैं लंगचिन खम्बब, ठीक है। तो यहाँ पर इट पासिस थ्रू द शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स, ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द बाकड़ा नगर प्रोजेक्ट। तो ये इसके बारे में फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा बिल्कुल क्लियर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, और आपने इसको अच्छे से याद किया होगा तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखते हैं इसमें से कौन सी करेक्ट है। द अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन द सतोपंत ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। सेकेंड इज अलकनंदा इज फाउंड बाय धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ और विष्णुप्रयाग। थर्ड पॉइंट इज अलकनंदा इज ज्वाइंड बाय द पिंडर रिवर एट करण प्रयाग। एंड फोर्थ इज मंदाकिनी और काली गंगा ज्वाइंस अलकनंदा रिवर एट रुद्रप्रयाग। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर स्टेटमेंट में यहाँ पर फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, अगर आपने इसकी सीक्वेंस कहीं याद करी है पहले तभी आपको ये अटेम्प्ट होगा। अब पूछा क्या गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए इज वन एंड थ्री ओनली, बी इज टू एंड थ्री ओनली, सी इज वन टू एंड थ्री, तो डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज अगर हम वन बाय वन इन स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन द सतोपंत ग्लेशियर, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बद्रीनाथ के, अब क्योंकि शुरू में ये जो अलकनंदा है वो कैसे बनती है, धौली और विष्णु गंगा से। तो विष्णु गंगा जो है ऊपर बद्रीनाथ साइड से आती है, ठीक है, तो उससे वो बनती है नीचे आके अलकनंदा। तो अलकनंदा में जो डिफरेंट रिवर्स हैं ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऐड होती जाती हैं होती जाती हैं, तो जब लास्ट में जाके उसमें भागीरथी ऐड होती है तो वो गंगा बन जाती है देवप्रयाग पे जाके। तो डिफरेंट जो प्रयाग्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो गाइज ये जो सारी स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये फोर जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट।
और यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी. डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये देखिए डायग्राम जो है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है वो ये बद्रीनाथ के ऊपर से सतोपन ग्लेशियर है वहां से आ रही है. विष्णु प्रयाग पे ये मीट करेंगी और बनेगी अलकनंदा. देखिए इसके आगे ये अलकनंदा है. अब अलकनंदा में यहाँ पर डिफरेंट रिवर्स ऐड हो रही हैं. देखिए नंदाकिनी आई है यहाँ पर और इस जहाँ पे ये मीट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं नंद प्रयाग. इसके बाद पिंडर रिवर आई है देखिए इधर से यहाँ पर इसको हमने क्या कहा करण प्रयाग. उसके बाद ये देखिए केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही है और इसको हमने यहाँ पर क्या कहा रुद्र प्रयाग. ये डिफरेंट प्रयाग हैं. देखिए विष्णु प्रयाग हो गए यहाँ पर नंद प्रयाग करण प्रयाग रुद्र प्रयाग. अब लास्ट में गंगोत्री ग्लेशियर से ये देखिए भागीरथी आ रही है. तो देव प्रयाग पे आगे ये दोनों मीट कर गई यहाँ पर मिल गई और इसके बाद इसका नाम जो है वो गंगा है. देखिए पहले इसका नाम अलकनंदा था अभी तक यहाँ तक ये अलकनंदा है. तो जब इसमें ये भागीरथी इसमें ऐड होगी तो ये बन गई है गंगा. ठीक है तो इस इमेज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे ये प्रयाग है क्या है. तो ये आंसर इसका क्या रहेगा डी. ठीक है तो करेक्ट आंसर डी. तो गाइज आई होप कि आपको ये जो आज के क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गए होंगे. तो ऐसे ही जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं जिसके ऊपर यूपीएससी के क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा. तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा टॉपिक है. और टिल देन गुड बाय.